तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं एलएलपी एक्ट 2008। ठीक है, देखो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। नाउ व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 ऑल अबाउट? समझने से पहले अपने को इसके पीछे का जेनेसिस समझना है कि ऐसा कानून इंडिया में आया क्यों, व्हाट वाज द रीजन कि इंडिया में ऐसा कानून लाया गया। तो एक एग्जांपल समझते छोटा सा पहले। कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ठीक है ना, इन दोनों ने 10,000 रुपए मिला करके क्या क्रिएट किया, एक नॉर्मल पार्टनरशिप बनाया, ठीक है ना। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई इन दोनों ने मिलकर एक नॉर्मल पार्टनरशिप बनाया, ठीक। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दो कि ये पार्टनरशिप क्या सेपरेट लीगल एंटिटी होता है? नहीं, नो, पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कि जब तक एक्स और वाई जिंदा है तभी तक क्या है, पार्टनरशिप जिंदा है। अगर एक्स या वाई, एक था राजा एक थी रानी, दोनों में से कोई भी मर गया खत्म कहानी, दोनों पार्टनर में से एक भी पार्टनर मर गया तो फर्म दुनिया में नहीं रहेगा, बिकॉज फर्म क्या होता है, फर्म इज अ कलेक्टिव नेम ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है ना। एक्स और वाई को मिला के क्या बोलते हैं, इन दोनों को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। तो एक्स अगर छोड़ के चला जाए तो फर्म उसी समय क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वाई छोड़ के चला जाए तो भी खत्म हो जाएगा। मतलब कि फर्म का एग्जिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि सर एक तो इसमें अपने को क्या नहीं मिलता, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मिलता, प्लस इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है, ये कितने दिन रहेगा नहीं रहेगा, इसका अपने को क्या नहीं मिल रहा है, परपेचुअल सक्सेशन भी नहीं मिलता, प्लस ये लोग कितना रुपया लगाया था, 10-10 हजार करके, तो मतलब फर्म के पास टोटल कितना पैसा था, 20,000 रुपया। दोनों ने पार्टनर बनते टाइम पे क्या बोला कि भाई हम फर्म को कितना रुपया देंगे, 10,000 रुपया करके देंगे। अभी फर्म क्या किया, बाहर जाके किसी से 1,00,000 रुपीज का लोन ले लिया, तो फर्म का हाथ पैर तो है नहीं, लोन मांगने के लिए कौन गया होगा, कोई एक से भाई दोनों में से कोई पार्टनर गया होगा, एनी वन वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कोई दिक्कत। कल को ऐसा हुआ कि ये पैसा जो है बाहर वाले इंसान को अब रिटर्न नहीं कर पा रहे, फर्म के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसका लोन क्या कर सके, वापस कर सके, लोन रिपेमेंट के लिए फर्म के पास पैसा नहीं है। तो ये इंसान किसके पास जाएगा पैसा मांगने के लिए, एक्स या वाई के पास? फर्म का तो हाथ पैर नहीं है ना भाई, किसके पास जाएगा, एक्स या वाई के पास जाएगा। तो एक्स और वाई क्या बोलेंगे कि भाई मैंने वादा किया था कितना रुपए देने का, 10,000, ऑलरेडी फर्म को कितना दे चुका, 10,000, अब हम एक भी पैसा नहीं देंगे आपको, जो पैसा मांगना है किससे मांगो, फर्म से मांगो। क्या ये आदमी सेटिस्फाइड हो जाएगा, बोला फर्म वर्म कोई नहीं होता बेटा, जब तक तुम है तभी तक फर्म है, फर्म तुम्हारा ही दूसरा नाम है, तुम नहीं होते तो फर्म नहीं होता। तो इसका मतलब कि इसको जितना भी पैसा लेना है ये किससे रिकवर करेगा, एक्स और वाई से। इसका मतलब कि सर इन दोनों का लाइबिलिटी कैसा है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, समझ में आया। तो इन लोग दोनों बहुत दुखी हो गए, बोले यार देख एक तो लाइबिलिटी भी कैसा, अनलिमिटेड, प्लस परपेचुअल सक्सेशन भी नहीं मिलता, सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं मिलता, बहुत झमेला है। तो ये लोग किसी इंसान के पास गया, बोले काम करो क्या बना लो, कंपनी बना लो, कंपनी में तुमको क्या मिल जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी भी मिल जाएगा, परपेचुअल सक्सेशन भी मिल जाएगा, प्लस तुम्हारा लाइबिलिटी भी क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा, राइट। क्यों ऐसा, बोलते कि जिस दिन एक्स और वाई इन दोनों मिलके क्या बनाया, एक कंपनी। बट एक चीज याद रखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता, दो लोगों ने आपस में शाम को मिलकर डिसाइड किया कि चल भाई मिलके बिजनेस चलाते हैं, तो तुरंत जैसे उन्होंने आपस में अग्री किया वैसे उनके बीच में क्या बन गया, पार्टनरशिप बन गया। बट दो लोगों ने शाम को मिलकर डिसाइड किया कि चल भाई मिलकर कंपनी बनाते हैं, तो उनके मिलकर डिसाइड करने से कंपनी नहीं बनेगा, कंपनी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके एप्लीकेशन करना पड़ेगा, कंपनी को आरओसी के पास
रजिस्टर करवाना पड़ेगा तब कंपनी बनेगा। ठीक, तो पार्टनरशिप इज द क्रिएशन ऑफ बिजनेस एंटिटी बाय वे ऑफ एन अग्रीमेंट, कि आपने अग्रीमेंट किया आपस में, पार्टनरशिप बन गया। बट अग्रीमेंट करने से कंपनी नहीं बनता, कंपनी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरओसी के पास जाना पड़ेगा। अब हुआ क्या, जिस दिन ये लोग दोनों ने मिलकर क्या बनाया, कंपनी बनाया, तो कंपनी तो ऐसे बना नहीं, कंपनी बना बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो कंपनी को हम लोग क्या मानते हैं, दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। प्लस जिन लोगों ने मिलकर कंपनी बनाया उनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग जिए या मरे कंपनी हमेशा चलता जाएगा। बोले कि कंपनी बनाया कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ, तो कंपनी खत्म भी कैसे होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। जिन लोगों ने कंपनी को बनाया वो लोग मर भी जाए तो भी कंपनी खत्म नहीं होगा, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी एक अलग इंसान है। जो काम एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है वही काम कौन कर सकता है, कंपनी भी कर सकता है। इट इज अ सेपरेट पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल नहीं है, नजर नहीं आता, बट देयर इज अ पर्सन। बात समझ में आ रहा है? तो बोला यार ये तो बहुत अच्छा बात। अब कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए था, पैसा चाहिए। पैसा कौन दिया होगा, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई के पैसे से कंपनी ने क्या किया, बहुत सारा एसेट्स परचेस किया। तो मान लो कि कंपनी ने ना बहुत सारा क्या परचेस किया, एसेट्स परचेस किया। तो एक्स और वाई बहुत खुश हो रहे कि देखिए ये वाला, ये एयर कंडीशनर मेरा है, ठीक है, ये मशीन मेरा है। एक्स और वाई आपस में खुश हो रहे, क्यों ऐसा बोल रहे, बिकॉज उनके पैसे से खरीदा गया ना ये एसेट्स, किसके पैसे से खरीदा गया, एक्स और वाई के पैसे से खरीदा गया ना। तो एक्स और वाई बहुत खुश हो रहे थे कि देखिए ये एसेट मेरा है, मेरे पैसे से खरीदा गया। तो बगल में से आवाज आया, कौन आवाज दिया, कंपनी ने आवाज दिया, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, कंपनी ने आवाज दिया कि बेटा वो एसेट तुम्हारा नहीं है, एसेट किसका है, किसने खरीदा, कंपनी ने, तुमसे सिर्फ पैसा लिया है, इट इज अ लाइबिलिटी, तुम्हारा पैसा रिटर्न कर देंगे। कंपनी ने बिजनेस चलाने के लिए इन दोनों से पैसा मांगा है, ठीक, सारे का सारा एसेट किसका। कल को जब कंपनी का भी ऐसा सिचुएशन आया कि कंपनी को भी लोन लेना पड़ा और कंपनी भी क्या नहीं कर पा रहा है, लोन का पैसा चुका नहीं पा रहा है, तो लोन मांगने के लिए कंपनी तो गया नहीं होगा, कंपनी का हाथ पैर होता नहीं है, कोई ना कोई कंपनी के भी हाथ पे गया होगा। तो ये थर्ड पर्सन क्या एक्स और वाई से पैसा मांग सकता है, नहीं मांग सकता। क्यों, एक्स और वाई का सिंपल से कहना है कि भाई कंपनी का सारा एसेट्स किसके नाम पे है, सारा एसेट्स किसका, कंपनी का, तो लाइबिलिटीज भी किसका, कंपनी का। ऐसा नहीं चल सकता कि एसेट कंपनी का और लाइबिलिटी मेरा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एसेट कंपनी का है तो लाइबिलिटी भी कंपनी का होगा, मतलब कि इन दोनों का लाइबिलिटी कैसा है, अनलिमिटेड है। बोला नहीं, हमारा लाइबिलिटी इज लिमिटेड, एक बार जितना देने का वादा कर दिया उतना ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। बट यहाँ पे झमेला ये है कि बहुत सारा नियम कानून फॉलो करना पड़ता है, कंपनी में झमेला ये है कि बहुत सारा नियम कानून फॉलो करना पड़ता है, डायरेक्टर अलग, शेयर होल्डर अलग, ये बताओ, बहुत सारा परेशानी। इन सारी परेशानी की वजह से भी लोग क्या नहीं बनाना चाहते, कंपनी नहीं बनाना चाहते। तो ये लोग दोनों वापस से बैठे, एक्स और वाई वापस से बैठे, बोले यार काश ऐसा कोई चीज होता जो पार्टनरशिप जितना क्या होता, आसान होता, और जिसमें बेनिफिट कैसा मिल जाता, कंपनी के जैसा बेनिफिट मिल जाता। बात समझ में आ रहा है थोड़ा भी, पार्टनरशिप क्या बनाना बहुत आसान है, पार्टनरशिप क्रिएट करना बहुत आसान है, उसमें आपको फुल फ्रीडम है, किसी को कुछ बताने का जरूरत नहीं है, जैसा मर्जी वैसा करेंगे, क्योंकि आपको सरकार के पास रजिस्टर करना जरूरी नहीं। बट परेशानी है वहां पे, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगा, परपेचुअल सक्सेशन नहीं होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगा। सरकार दूसरा रास्ता दिखाए, बोला कंपनी बना लो, सर कंपनी में बेनिफिट तो दे रहे बट वहां पे परेशानी बहुत ज्यादा है, बहुत सारा नियम कानून फॉलो करना पड़ेगा। इन सारा चीज को देखते हुए सरकार फिर क्या आया, बोला कि चलो आपको एक और तरीका दिया जाता है, सरकार गेव यू एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ, क्या पार्टनरशिप छोड़ो, कंपनी छोड़ो, अब क्या बना सकते हो, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला, क्या पार्टनरशिप ही बनाओ, आपके बीच में रिश्ता कैसा रहेगा,
पार्टनरशिप के जैसा ही रहेगा, बट उसका लाइबिलिटी कैसा होगा? लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगा। आपको यही तो परेशानी था कि भाई अपना लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, घर भी बेच देगा हम लोग का पैसा चुकाने के लिए। चलो यहां पे वैसा नहीं होगा, आपका लाइबिलिटी कैसा रहेगा? लिमिटेड रहेगा। तो क्या लिखा देखो कि एलएलपी एक्ट 2008 प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ बिजनेस। व्हाई अल्टरनेटिव मोड? कि पहले से पार्टनरशिप था और कंपनी था, अब हम आपको और एक ऑप्शन दिए कि चलो एलएलपी बना लो, जिसके अंदर कैसा फीचर्स है, हैविंग द फीचर्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप एज वेल एज, पार्टनरशिप का भी फीचर्स है और कंपनी का भी फीचर्स है। ये कानून कब से आया? इट बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 31 मार्च 2009। इसके अंदर में 14 चैप्टर्स है, 4 शेड्यूल्स एंड 81 सेक्शंस। नाउ द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डू नॉट अप्लाई टू एलएलपीज। एलएलपी इज आल्सो अ पार्टनरशिप, एलएलपी इज आल्सो अ पार्टनरशिप, बट वहां पे पार्टनरशिप एक्ट का कानून अप्लाई नहीं करेगा, वहां पे एलएलपी एक्ट का कानून अप्लाई करेगा। फर्दर एलएलपी एक्ट हैज नॉट सुपरसीडेड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब कि ये उसको रिप्लेस नहीं किया है। एलएलपी का कानून पार्टनरशिप के कानून को रिप्लेस नहीं किया है, वो कानून भी दुनिया में है और ये कानून भी दुनिया में है। अगर आप नॉर्मल पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल भी बना सकते हैं। जस्ट बिकॉज एलएलपी आ गया इसका मतलब ये नहीं कि आपको एलएलपी ही बनाना पड़ेगा, आप नॉर्मल नॉर्मल वाला भी बना सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म्स कैन स्टिल बी फॉर्म, आप नॉर्मल पार्टनरशिप भी बना सकते हैं। क्लियर? तो सर एलएलपी का क्राइटेरिया क्या है, एलएलपी कैसे बना सकते हैं? जैसे कंपनी को जाकर के सरकार के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है, आप एलएलपी को भी क्या कर लो, जाके सरकार के पास रजिस्टर करा लो, तो आपको पार्टनरशिप और कंपनी दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहां पे बोल रहे फीचर्स ऑफ एलएलपी। एलएलपी का फीचर्स क्या होता है? बहुत सिंपल, पहला क्या लिख रहा है, इट इज अ हाइब्रिड ऑफ कॉर्पोरेट एंड, इसमें कंपनी और पार्टनरशिप दोनों का फीचर्स मिला हुआ है। इसका क्या होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी होता है, इसको परपेचुअल सक्सेशन में मिलेगा, प्लस इसका लाइबिलिटी भी क्या है, लिमिटेड है, अप टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मैंने जितना रुपए कैपिटल लगाया मेरा लाइबिलिटी मैक्सिमम उतना। राइट टू एंटर इनटू अग्रीमेंट्स इन इट्स, हम अपने नाम से अग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज एलएलपी भी क्या बन जाएगा, एक जितना जब पार्टनर बनते टाइम पे एक्स और वाई इन्होंने बोला था कि हम 10,000 देंगे और हम 10,000 देंगे, बस इससे ज्यादा पैसा इनसे मांगा नहीं जा सकता। अब चाहे बस एलएलपी को अगर 10 करोड़ का भी लॉस होता रहे तो इनसे और पैसा नहीं मांग सकते, मैंने इतना रुपया देने का वादा किया था, मेरा पैसा ऑलरेडी दे चुका। राइट टू एंटर इनटू अग्रीमेंट्स इन इट्स ओन नेम, क्यों? बिकॉज एलएलपी इज अ सेपरेट पर्सन। एंटाइटल्ड टू सू एंड बी सूड इन इट्स, हम अपने नाम से कोर्ट में केस कर सकते हैं। आपको केस करना है तो किसके नाम पे करोगे? एलएलपी के नाम पे करोगे, बिकॉज एलएलपी इज अ सेपरेट पर्सन। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, एलएलपी का फायदा क्या है? पहला, लो कॉस्ट ऑफ, किससे? कंपनी से। पार्टनरशिप बनाना तो एकदम आसान है, शाम को बैठा डिस्कशन किया कि भाई चलो मिलके काम करते हैं, पार्टनरशिप क्रिएट हो गया, उसका तो कोई खर्चा ही नहीं लगा। बट कंपनी से कम दाम में कौन बन जाएगा? एलएलपी। वेरी लेस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, कानून भी ज्यादा आपको फॉलो नहीं करना, वेरी इजी टू मैनेज, इजी टू मैनेज। कंपनी में शेयर होल्डर्स अलग होता है, डायरेक्टर्स अलग होता है, मालिक कोई और होता है, मैनेज कोई और करता है, बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे सिर्फ एक ही आदमी है, पार्टनर, हम ही मालिक और हम ही मैनेजर। इजी प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, वाइंडिंग अप इसका क्या है, कंपनी के मुकाबले आसान हो जाता है। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं कि आपको अगर एलएलपी बनाना है तो कम से कम 2 लाख रुपए होना चाहिए, 5 लाख, आपका जितना मन। आप 1,000 रुपए से एलएलपी बनाना चाहते हैं, आपके पास 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए में बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, आप कर लीजिए। नेक्स्ट, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स। ये क्या बोल रहे हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 1956 के एक्ट के हिसाब से 10/20 बीएनबी। कंपनीज एक्ट 1956 बोलता था कि अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं तो 10 लोग हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग कर रहे तो 20। अब कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बोल दिया,
50 कि एक पार्टनरशिप फर्म में कितने लोग नहीं हो सकते। बट एलएलपी क्या बोल रहा है कि एक, हाँ, एक कंपनी में कितने लोग हो सकते हैं मेंबर? प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम और पब्लिक कंपनी में नो लिमिट। एक पब्लिक कंपनी में कितने भी मेंबर हो सकते हैं? तो एलएलपी को भी क्या बोला कि तुमको जितना मन उतना मेंबर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एलएलपी में देर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म में लिमिट है कि इससे ज्यादा पार्टनर्स नहीं बढ़ा सकते, बट एलएलपी में आपको छूट दे दिया, बोला जितना पार्टनर रखना है रख लो, कोई दिक्कत नहीं। नो कंपलसरी ऑडिट रिक्वायर्ड। कंपनी के केस में क्या होता है कि आप छोटा कंपनी है, बड़ा कंपनी है, कैसा भी कंपनी है, प्रॉफिट लॉस आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। सेक्शन 139 में लिखा हुआ है कि कंपनी को ऑडिट कराना ही पड़ेगा। एलएलपी में ऐसा नहीं है। एलएलपी में एक ऑडिट का क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो ऑडिट कराना है, नहीं है तो कराने का जरूरत। तो ये भी क्या अपने लिए बेनिफिट है। फिर एक बहुत अच्छा सा बात लिखा, पार्टनर्स आर नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स। ये क्या हुआ, आप समझो इस चीज को थोड़ा, ठीक है। एक्स, वाई और जेड, ये तीनों मिलके क्या बनाया है, पार्टनरशिप फर्म। ना पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या बोलता है, इट इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब कि एक्स कोई भी काम करेगा तो क्या माना जाएगा, काम किसने किया, एक्स वाई जेड तीनों ने किया। तो एक्स अगर कुछ गलत हरकत कर दे तो कौन फंसेगा, तीनों फंसेगा। वाई ने जो काम किया क्या माना जाएगा, किसने किया, तीनों ने किया। जेड जो भी काम करेगा क्या माना जाएगा, तीनों ने किया, बिकॉज ही इज नॉट एक्टिंग फॉर हिमसेल्फ, ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। इनके बीच में क्या होता है, देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी की, आप जो भी काम करो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एवरीवन। बट इन तीनों ने मिलके क्या बनाया है, एलएलपी। अब यहां पे क्या हो रहा है, एक्स कुछ भी काम करे क्या माना जाएगा कि काम किसने किया, एलएलपी ने किया, बिकॉज एलएलपी इज अ सेपरेट पर्सन। एसेट किसने खरीदा, वाई ने, बोला नहीं एसेट किसने खरीदा है, एलएलपी ने खरीदा। लोन किसने लिया, एलएलपी ने लिया। बात समझ में आ रहा है, तो अगर एक्स कुछ भी करेगा तो वाई और जेड को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा केस किसके नाम पे होगा, एलएलपी के नाम पे होगा, नहीं। वही तो बोले पार्टनरशिप फर्म में एक्स कुछ भी कर दिया तो केस किस पे होगा, तीनों पे होगा, क्योंकि एक्स किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, तीनों के बिहाफ पे काम कर रहा है। बट एलएलपी के केस में एलएलपी खुद क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। माना जाता है कि कोई भी काम हुआ है वो काम किसने किया, एक्स वाई जेड ने नहीं किया, किसने किया है, एलएलपी ने किया। एलएलपी के केस में एलएलपी इज अ सेपरेट पर्सन, तो क्या माना जाता है कि काम किसने किया है, एलएलपी ने किया, तो केस किसके ऊपर होगा, एलएलपी पे होगा। तो एक्स कुछ भी कर ले, वाई और जेड को डरने का जरूरत नहीं है कि भाई अपने को तो कुछ नहीं हो रहा है, केस होगा तो किसके ऊपर होगा, एलएलपी के ऊपर होगा। उसीलिए क्या लिखा हुआ है कि पार्टनर्स आर नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मेरे को उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं भाई, जो होगा किसके खिलाफ होगा, एलएलपी के खिलाफ होगा। तो ये भी फायदा है ना यहाँ पे।